वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। पंजाब पंजाबी होता है कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे। जेड़े यूपी दे बिहार दे दिल्ली दे भैया के राज करदे ने बड़ी ये प्रियंका दीदी है और उनके सामने यूपी बिहार दिल्ली वालों को गालियां देने वाले उनके सीएम चन्नी साहब। चन्नी की आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा पर जिस तरह से प्रियंका दीदी खिलखिलाकर हंस रही हैं। और तालियां पीटकर उन्हें अपना समर्थन दे रही है, उससे उनकी नीयत और नीति दोनों की पोल खुल गई है। तो देखा आपने, प्रियंका दीदी यूपी और पंजाब के बीच चुनावी खेला करने में लगी है। पंजाब पंजाबी होता है कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे। यूपी में वो अपने आप को यूपी की बेटी बताते नहीं थकती, लेकिन यूपी की बॉर्डर लांघते ही प्रियंका के लिए यूपी बेगाना हो जाता है और जिस सूबे में उन्हें वोटों की फसल काटती है वहाँ की वो हो जाती है और यूपी वाले उनके लिए बाहरी हो जाते हैं। प्रियंका की ये खिलखिलाहट देखकर, उनकी तालियां पीटने वाली खुशी देखकर यूपी वाले खिसिया रहे होंगे और गुस्से से लाल हो रहे होंगे कि कैसे कोई इतना दोगला हो सकता है। प्रियंका पंजाब में पंजाबी बन गई। हालांकि ये बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन उनके सामने उनकी पार्टी का एक बड़ा नेता ऐसी वाहियात बातें करता रहा और वो ठहाके लगाकर तालियां पीटकर उसे समर्थन देती रही। चन्नी जिस भैया की बात कर रहे हैं वो यूपी वालों के लिए गाली से कम नहीं है। दरअसल बाल ठाकरे के दौर में महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों को बाहरी दिखाने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तभी से यह शब्द यूपी के लोगों के लिए गाली की तरह हो गया है। इस शब्द पर कई बार मारपीट की नौबत तक आ चुकी है, लेकिन मंच से एक सूबे का सीएम इस शब्द को पुकार कर यूपी वालों को ललकार रहा है और प्रियंका दीदी खीसे निपोर कर तालियां पीट रही है। ओ भाई पंजाबियों दी रोह है प्रियंका गांधी। वीडियो पंजाब के रूपनगर से सामने आया है। 15 फरवरी को प्रियंका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ यहां पहुंची थी। रैली के बाद जब वे मंच तक आई तो हाथों में माइक लेकर अपनी बात ऐसे शुरू की। पंजाब पंजाबी होता है कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे। अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। कोई नई राजनीति आपको, कोई नई राजनीति आपको आम आदमी पार्टी नहीं देगी। मैं दिल्ली की वासी हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। बस प्रियंका ने इतना बोला ही था कि चन्नी के गुब्बारे में प्रांतवाद की हवा भर गई और वो फूट पड़े यूपी बिहार और दिल्ली वालों पर। वैसे ये दोनों ही आज यूपी आने वाले हैं। चन्नी रविदासिया पंजाबी है, इसलिए यूपी के दलितों को लुभाने के लिए प्रियंका उन्हें अपने साथ लेकर आ रही है। लेकिन अब चन्नी के इस बयान के बाद उनका यूपी के लोग कैसे स्वागत करते हैं और प्रियंका इस पर क्या सफाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।